डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ध्यान से देखिएगा, लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? तिरछा ताल्लुक है ना। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन कार्बन फॉस्फरस। लेकिन अपने सिलेबस में आपको लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का पढ़ना है। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, क्या इसका डायगोनल रिलेशनशिप होगा, ठीक है, और कौन कौन सी सिमिलरिटीज है लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। ओके, तो लिथियम और मैग्नीशियम ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों रखता है, इसका रीजन ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लिथियम का एटॉमिक रेडाई है 152 पीएम, दैट इज एटॉमिक रेडाई। ओके, किसका? लिथियम का। और मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक रेडाई होता है 160 पीएम। ओके, एटॉमिक रेडाई। पहला रीजन तो ये है क्या नियर अबाउट इन दोनों का साइज सेम होता है। ओके, किसका? लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस। उसी के साथ साथ आयोनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे, एल आई पॉजिटिव और एम जी डाई पॉजिटिव बेटा, तो इसका रेडियस होता है 76 पीएम, दैट इज आयोनिक रेडाई। ओके, और इसका रेडियस होता है 72 पीएम, आयोनिक रेडाई। ध्यान से देखिएगा, है लगभग सेम है, 4 पीएम का डिफरेंस है और यहां पर 8 पीएम को, तो बहुत माइनर क्वांटिटी है ये, इसका डिफरेंस रहता। ओके, पहला रीजन मैंने आपको बताया, दूसरा आयोनिक रेडाई। थर्ड है बेटा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, बस डायरेक्ट बताया मैंने आपको 1। और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा इसमें 1.2, कितना 1.2। तो ध्यान से देखिएगा क्या इसका रीजन क्या क्या है। पहला तो रीजन ये है कि इसका स्मॉल एटॉमिक साइज है और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या सिमिलरिटी है वो आपको ध्यान से देखना है, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा क्या बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड मेटल। लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों भी हार्ड मेटल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड मेटल। ओके, लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों भी हार्ड मेटल होते हैं, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। लिथियम और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दो पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर थर्ड ध्यान से देखिएगा, द सॉल्ट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, द सॉल्ट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। ओके, लिथियम का सॉल्ट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, That is LiCl and MgCl2. LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol. ये ethyl alcohol में salt of lithium and magnesium, that is LiCl and MgCl2 are soluble in ethanol, ठीक है ना। लिथियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ओके, ध्यान से देखिएगा, द सॉल्ट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम
फॉर्म हाइड्रेट, ओके हाइड्रेट विथ वाटर। लिथियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट ये हाइड्रेट तैयार करता है वाटर के साथ। अगर आप यहां पर लिखेंगे LiCl तो दो मोल लगा देंगे वाटर के, डाइहाइड्रेट बना दिया इसने, ओके। अगर इसकी जगह आप NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में सॉल्युबल हो जाता Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में, पता है आपको, ओके। मैग्नीशियम सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे बेटा MgCl2 और 8 मोल ऑफ H2O, क्या देगा MgCl2 और 8 मोल ऑफ H2O। ये आपको सभी को एज इट इज लर्न करना है कि कौन से वाला हाइड्रेट बनेगा। लिथियम कौन सा बनाता है LiCl डॉट ट्वाइस H2O, और मैग्नीशियम बनाएगा MgCl2.8H2O। कितने पॉइंट हो गए? 4। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं इसमें, इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा, क्या बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड विथ नाइट्रोजन, ठीक है ना। देखिए बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर के ये नाइट्राइड तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? नाइट्राइड, ओके। अगर बेटा हम ऐसे लिखेंगे एल आई का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो एल आई और ये मैंने एन लिखा हूं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है बेटा, इसका +1 और इसका -3। अब आपको यहां पर इसको न्यूट्रल करना है, यानी प्लस माइनस इक्वल आने को होना, तो आपको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के काम जमता है ना। मींस Li3 और N, क्या लिखे हमने Li3 और N, समझ में आ गए लॉजिक, ठीक है। N कितने बेटा यहां पर? 2 है, इधर 2 मोल लगाना है आपको, ओके। देखिए यहां से कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट पर फर्क नहीं पड़ता, ये भी है, ये तो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा एन बैलेंस हो गया, एल आई कितने बेटे? 6 है, चलिए 6 ले लेंगे, ओके बैलेंस। अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, क्या मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाया हमने, यानी इसका नाम आएगा बेटा लिथियम नाइट्राइड, क्या नाम आएगा इसका? लिथियम नाइट्राइड। और ये है बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड, मींस Mg3N2, Mg3N2। ध्यान से देखिएगा Mg डाई पॉजिटिव के फॉर्म में है और N क्या है? -3। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना रहता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, मैथ लगाए हमने यहां पर, तो तब जाकर के न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, N तो 2 थे, बैलेंस हो गया सर। Mg कितने? 3, ये ले लिया मैंने, क्योंकि Mg मोनोएटॉमिक रहता, ठीक है ना। तो क्या है कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन करके नाइट्राइड तैयार करते हैं, कौन कौन? लिथियम और मैग्नीशियम। ये होगा 5th पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या लिथियम और मैग्नीशियम डीकंपोज कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, बोथ डीकंपोजेस वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल को डीकंपोज कैसे करेगा ध्यान से देखिएगा, Mg का रिएक्शन करवाया मैंने वाटर के साथ, ये तैयार किया बेटा MgOH/2+ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, कौन सा गैस लिबरेट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस, ओके। अब आपको इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, O कितने पड़ जाए बेटा प्रोडक्ट में? 2 है सर, कितने हैं? 2, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, हेडन कितने? 2, 2, 4, 4 बैलेंस सर, और एक Mg बैलेंस। अगर मैं यहां पर Li यूज करता हूं और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं हम, तो LiOH+H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ओके, डीकंपोज किया इसने, क्या हो जाएगा बेटा ये? 2, देखिए 2 Li बैलेंस, ओके, H कितने? 4, 2, 2, 4, यहां पर आपको 2 मोल और ये 2, ओके बैलेंस। नेक्स्ट बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ध्यान से देखिएगा कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
ये सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। देखिए LiHCO3 लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और HCO3 का कितना रहता है बेटा -1, ऐसा न्यूट्रल करते हैं इसको। मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे MgHCO3 और यहां लगा दिया हमने -2 क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, ओके, और HCO3 का -1, तो दो यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड मेटल, दोनों भी हार्ड मेटल रहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता। थर्ड पॉइंट, द सॉल्ट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम दैट इज LiCl एंड MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, किसमें सोल्यूबल होगा, इथेनॉल में, ओके। उसके बाद में द सॉल्ट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म हाइड्रेट विथ वाटर, लिथियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, क्या तैयार करते हैं, हाइड्रेट। तो बेटा यहां हाइड्रेट बनाया है इसने LiCl.2H2O MgCl2.8H2O, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम है ना नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, ओके। अगला पॉइंट ये बताया मैंने क्या, बोथ डीकंपोजेस वाटर मॉलिक्यूल, दोनों भी लिथियम और मैग्नीशियम वाटर मॉलिक्यूल को डीकंपोज करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये दोनों वीक बेस होते हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा, बोथ LiOH एंड MgOH/2 आर वीक बेस, बेसिस, दोनों भी वीक बेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन, LiOH और MgOH/2, ठीक है ना। तो ये था इसका डायगोनल रिलेशनशिप, किसका, लिथियम और मैग्नीशियम का, ठीक है ना, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ओके। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 1 डालने मैंने ये जूम वाले के लिए, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को ध्यान से देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, क्या है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, और आप सभी को क्लास में ही इसे लर्न कर लेने का है, एक बार दो बार देखना आप इसे यूट्यूब से, ओके, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम, आप समझेंगे हम, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, ओके। सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे सिलेबस में 4 है, नंबर 1 है बेटा इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहेंगे, ओके। सेकंड वाला रहेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। थर्ड वाला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फोर्थ है NaCl सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, ओके, Na, इसमें नंबर 1 है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है बेटा Na2CO3.10H2O, मतलब ये डिकाहाइड्रेट होता है सर, क्या रहेगा, डिकाहाइड्रेट Na2CO3, ओके, Na2CO3.10H2O, और इसे तैयार करते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस, SOLVAY, सॉल्वे प्रोसेस, याद रखना सॉल्वे प्रोसेस से क्या तैयार होता है, तो सॉल्वे प्रोसेस से तैयार करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, बराबर है, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ओके। ध्यान से देखिए बेटा सोडियम कार्बोनेट हम कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओके। देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मींस अगर हम अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ करवाए,
मींस अमोनिया में हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल और वहां से पास कर रहे हम कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पास कर रहे? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल यूज किया हमने, उसमें ऐड किए हैं वाटर मॉलिक्यूल और वहां से पास कर रहे हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें तैयार होगा सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या तैयार होगा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बेटा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है NH4HCO3, दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या तैयार हो गया? सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके देखिए अमोनिया में सर हमने सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए और उसमें से उस सॉल्यूशन में से पास कर रहे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या होगा इसमें? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार होगा। देखिए एक एच आपने यहां ट्रांसफर कर दिए मतलब और OH इस पर ट्रांसफर, तो ध्यान से देखिएगा NH4 है ना डॉट HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या रहेगा? अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके फर्दर अब देखिए इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवा रहे हम NaCl के साथ में। क्या किया इसमें? NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है तो यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या एक Na इधर ट्रांसफर कर देंगे हम NaHCO3 प्लस NH4Cl, एक Cl ये इधर ट्रांसफर कर दिया हमने NH4Cl और ये तैयार हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके ध्यान से देखिए क्या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम ऐड कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, क्या के सोडियम क्लोराइड, तो इसमें तैयार हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या तैयार होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्दर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, ठीक है, इसमें बनेगा बेटा Na2CO3 बट अनहाइड्रस है ये भी, वाटर ऐड नहीं किए, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। कौन सा गैस लिबरेट हो रहा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो Na यहां पर एक है, यहां दो है, सिंपल सी बात है, यहां आपको दो मोल लेना पड़ेगा तब जाकर के काम जमेगा, ठीक है ना। NaHCO3 कितने मोल लिए हमने बेटा? दो मोल। ओके तो दो Na एक CO3, Na2CO3 बना लिए सर हमने। अब यहां पर बाकी बेटा दो हाइड्रोजन और एक CO3, दो हाइड्रोजन और एक CO3, दो थे ना, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। कौन सा गैस लिबरेट हो गया इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हो गया तैयार जी। क्या रहेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? सोडियम कार्बोनेट। अब इसका रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाए Na2CO, देखिए यहां पर NaCO3 है ना, कितने मोल लिए हमने इसके? दो। Na2CO3 H2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। फर्दर अब इस पर हम ऐड करेंगे 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या ऐड करेंगे? 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बना देगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10 मोल ऑफ H2O, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिए, क्या जब हम Na2CO3 डॉट 10 मोल ऑफ H2O को हीट करते हैं एट 373 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर, तो इसमें से 9th वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए Na2CO3 डॉट H2O। ओके फर्दर इसको हीट करेंगे आगे अबव 373 केल्विन, 373 केल्विन से ऊपर हीट कर रहे इसे हम। ओके तो ये बना देगा बेटा Na2CO3 प्लस H2O, मतलब अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ओके ध्यान से देखिए, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए आप इसके यूजेस क्या होंगे। सिंपल पॉइंट है, यूजेस कहां यूज करेंगे? देखिए इसका यूज करते हैं हम सोप तैयार करने के लिए, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ठीक है ना। इसका यूज करते हैं लॉन्ड्री में, कहां यूज करेंगे? लॉन्ड्री, ठीक है ना। उसके बाद में कहां यूज करेंगे इसका? ध्यान से देखिए Na2CO3, ठीक है ना, ग्लास तैयार करने के लिए यूज करते हैं, कांच तैयार करने के लिए। ओके बोरेक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसमें? बोरेक्स, बोरेक्स रहता बेटा Na2B4O7.10 मोल ऑफ H2O, बोरेक्स।
Na2B4O7.10 मोल ऑफ H2O। बोरेक्स तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ग्लास के लिए, बोरेक्स के लिए, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिए, देखिए सोप, लॉन्ड्री, ग्लास, बोरेक्स एटसेट्रा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, Na2CO3, देखिए बोरेक्स तैयार करते हैं इससे, ठीक है ना, सोप, लॉन्ड्री, ठीक है, लॉन्ड्री में यूज करते हैं, ग्लास, ठीक है ना। उसके बाद देखिए और कहां यूज करेंगे Na2CO3, ये बॉक्साइट में यूज करते हैं, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए, और वहां मेथड यूज होता है हॉल्स और ड्राई प्रोसेस, हॉल्स एंड ड्राई प्रोसेस, हॉल्स एंड ड्राई प्रोसेस में यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सोडियम का फर्स्ट कंपाउंड बता दिया, दैट इज Na2CO3.10 मोल ऑफ H2O, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ध्यान से देख लो बेटा इसमें, ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया सोडियम कार्बोनेट, सेकंड वाला इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, क्या फॉर्मूला इसका, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, दैट इज कॉल्ड एज, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, बराबर है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। ध्यान से देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार कैसे करेंगे, बस यही प्रिपरेशन है, उल्टा कर दो इस इक्वेशन को, देखिए बेटा Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सोडियम कार्बोनेट में हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्या ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और वहां से पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो इसमें बन जाएगा बेटा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कितने Na प्रेजेंट है सर, यहां पर दो Na है, ये दो लगा दिया मैंने, ओके, नो डाउट, समझ गया यहां तक के, ठीक है। इसके बाद में कार्बन कितने, एक दो प्रेजेंट है सर, तो दो कार्बन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, सिक्स, तीन चार दो छह, देखिए बेटा तो 3 2 6 बैलेंस हो गए सर, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने थे, दो, ये भी हमने बैलेंस कर दिए, ओके। मींस कार्बन डाई, देखिए सोडियम कार्बोनेट पे हम ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल और वहां से पास करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें तैयार होगा बेकिंग सोडा, दैट इज खाने का सोडा, ओके, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, क्योंकि कोई ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस प्रिपरेशन दिया था अपने इसमें, ठीक है। देखिए तो यूजेस में नंबर वन, इसका इस्तेमाल करते हैं बेकरी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, ओके। सेकंड, इसका यूज करेंगे एक्ट एज एन एंटासिड, क्या, एंटासिड, एसिडिटी कम करने के लिए। उसके बाद में थर्ड, माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो अगर हमारे को चूंटी मूंगी वो काट लेती है, अगर हम यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट लगा देते हैं जिस जगह काटी है तो उसका असर कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। अगर मान लो हमारे को शहद की मक्खी, मधुमक्खी, हनी भी वो काट लेती है, ठीक है ना, तो अगर हम यहां पर यूज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो उससे उसका असर कम हो जाएगा। माइल्ड वो तो वीक, कमजोर है ना, माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्ड वाला टॉपिक है बेटा इसमें, देखिए सोडियम क्लोराइड, ओके, इसको हम कॉमन टेबल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन टेबल सॉल्ट, क्या बोलेंगे इसे हम, कॉमन टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बेटा NaCl, क्या है, NaCl। अपने इंडिया में
हर साल ये 50 लाख टन सोलर इवेपोरेशन से ऑब्टेन होता। कितना? 50 लाख टन। इसलिए तो नमक इतना सस्ता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हमने मान लीजिए समंदर का पानी यूज किए, समंदर का पानी लिए और उसको एक जगह रख दिए, तो वाटर जो है धीरे धीरे वेपर में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो सॉल्ट पड़ जाएंगे वो नीचे बाकी रह जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखो इन इंडिया 50 लाख टन ऑब्टेन एनुअली, हर साल इंडिया में कितना ऑब्टेन होता? 50 लाख टन बाय सोलार इवोपरेशन। सोलार इवोपरेशन, सोलार इवोपरेशन के थ्रू ऑप्टेन होता। मान लीजिए अगर हमने 100 ग्राम वाटर लिए, कितना? 100 ग्राम। ठीक है, तो उसमें 36.05 ग्राम NaCl प्रेजेंट रहता। कितना? 36.05 ग्राम। देखिए 100 ग्राम ऑफ सी वाटर, सी वाटर कंटेन 36.05 ग्राम NaCl। ठीक है, याद रखिएगा आप, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना खारा, मतलब जो ब्राइन वाटर जिसे बोलते हैं खारा पानी, कितना रहेगा? 36.05 ग्राम NaCl प्रेजेंट रहता। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, तो ये था सोडियम क्लोराइड। ओके, अब इसके यूजेस में यहां पर छोटी सी जगह में लिख देता हूं, कोई खास यूजेस तो नहीं है, आप सभी को पता है ना। कहां यूज करें इसका? डाइट के तौर पर यूज करते हैं इसका। ओके, सेकंड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। ओके, फूड मटेरियल की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, थर्ड जो है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, देखिए इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH। ओके, उसके बाद में है Na2CO3। ओके, बॉक्साइट Al2O3। ठीक है, सॉरी NaOH, Na2CO3, CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, उसके बाद में NaHCO3 एटसेट्रा है। ये सभी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? NaCl का। किसका? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको तीन कंपाउंड समझा दिया। नंबर वन बताया मैंने आपको, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। ओके, सेकंड वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। और थर्ड है इसमें NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना आपने, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन होता बेटा। कितना? 1081 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ, तीन कंपाउंड हमने समझ लिए। ये पेज नंबर सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप जूम वाले। हाँ, अब थर्ड, फोर्थ कंपाउंड बेटा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ वाला है इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ वाला कंपाउंड है सर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ध्यान से देखिएगा कैसा तैयार होता है खारे पानी से, ब्राइन वाटर से, वो समझाता हूं। ठीक है, तो फोर्थ कंपाउंड है, फोर्थ वाला कंपाउंड है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मींस NaOH, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा, जलाने वाला सोडा। ओके, कॉस्टिक सोडा, जलाने वाला सोडा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार करेंगे। ओके, मान लीजिए हमने ब्राइन वाटर यूज किए और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए हमने, ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है ना, यहां यूज किए हमने ब्राइन वाटर, खारा पानी। ठीक है, क्या यूज किए इसमें? ब्राइन वाटर, ब्राइन वाटर।
ठीक है ना। अब ब्राइन वाटर में क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है सर। क्या हो गया इसमें, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ध्यान से देखिए बेटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पहले हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी है ना। मतलब NaCl किसके फॉर्म में है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके, अब यहां किए थे हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखिए आगे क्या होगा, क्या Cl का होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट रहेगा और ये नेगेटिव प्लेट। देखिए क्या ये Cl नेगेटिव जो है इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब Cl का क्या होगा बेटा यहां पर, ये देखिए ये एनोड है और ये है कैथोड। ओके, एनोड पर होता है, याद है क्या आपको, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एट नेगेटिव, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एट नेगेटिव, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा सर, ठीक है ना। ये शब्द याद रखना, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया मैंने, तो यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन हो तो Cl ये गैसियस एटम प्लस वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन जो है डायटॉमिक रहता, क्लोरीन क्या रहता, डायटॉमिक, तो यहां पर आपको दो मोल लेना है। देखिए एक तो यहां से दो मोल ले लो, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और Cl2 गैस बन जाएगा बेटा, Cl2 गैस। देखिए क्लोरीन का हो गया इसमें ऑक्सीडेशन, Cl2 बना लिया इसने प्लस टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन हमेशा कौन से स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में, और ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल रहता है, इसलिए मैंने Cl2 लिखा इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से, समझ आ गया यहां तक की, ठीक है। इसके बाद देखिए कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बेटा, देखिए जैसा एनोड पर हुआ है सर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर होगा सर यहां पर रिडक्शन। ध्यान से देखना एक एक पॉइंट आप, कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन। देखिए Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गिव्स Na, ठीक है ना, ये रहेगा गैसियस एटम, ठीक है, ये गैसियस आयन था, क्या हो गया इसका रिडक्शन हो गया सर, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से दो मोल ले सकते हैं आप, ये दो मोल, ओके। अब ये Na जो तैयार हुआ ये रिएक्शन करेगा बेटा Hg के साथ, मतलब यहां पर ये Hg से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था, Hg यहां पर हमने इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल की, ठीक है ना, तो Hg के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा था, किसका, Na का। ध्यान से देखना किसका रिडक्शन हो रहा था, Na का, तो ये मर्क्यूरी के साथ मिलकर के, मतलब इसके साथ मिलकर के ये बनाएगा NaHg, क्या बनाएगा, NaHg, दो मोल ही आपके इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए बताया, ठीक है ना। ये रहेगा सोडियम अमलगम, क्या रहेगा, सोडियम अमलगम, ध्यान से देखिए सोडियम अमलगम, ठीक है। देखिए प्रोसेस कैसा हुआ, क्या क्लोरीन का हुआ बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन और सोडियम का क्या हुआ रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोड कौन से वाला यूज किए थे हमने, यहां यूज किए थे मर्क्यूरी, ठीक है। देखिए रिडक्शन भी हुआ यहां पर सोडियम का, कि दो इलेक्ट्रॉन का टेंशन मत लो आप, ये इक्वेशन बैलेंस करने के हिसाब से, ओके। यहां पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने ऑब्टेन किया और दो Hg हमने यूज किए, दोनों मिलकर के तैयार किए यहां पर NaHg, दैट इज सोडियम अमलगम, क्या तैयार हो गया इसके सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम अमलगम, बराबर है। अभी सॉल्यूशन के अंदर ब्राइन वाटर था, मतलब वाटर भी प्रेजेंट है, ओके। तो देखिए ये सोडियम अमलगम जो है इस सॉल्यूशन के अंदर जो तैयार हो गया सोडियम अमलगम, ये NaHg वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्शन करके बेटा ये तैयार करता है NaOH plus Hg plus H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो सिंपल सी बात है, दो मोल लेना है आपको इसके भी, दो मोल, क्यों लेने दो मोल, क्योंकि H2 गैस लिबरेट हो रहा था, इवन करना है आपको, ओके। देखिए दो Na दो OH, ट्वाइस NaOH बैलेंस हो गया सर, Hg कितने, दो, ये बैलेंस कर दिए हमने और दो हाइड्रोजन बचे थे, H2 गैस लिबरेटेड, ठीक है ना। तो ये तैयार हो गया सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या तैयार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो ये जो सेल का इस्तेमाल करते हैं हम, इसको बोलते हैं हम केस्टनर, केल्नर सेल, याद रखना बहुत फेमस टॉपिक है, कि केस्टनर केल्नर सेल का इस्तेमाल करके कौन सा कंपाउंड हम तैयार करते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा कंपाउंड तैयार करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक आपको समझ में आ गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ठीक है ना, सेल का नाम याद रखने। इसके बाद देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 591 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, किसका, NaOH का,
ठीक है ना। अच्छा इसके यूजेस यूज कहां करेंगे, देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम सोप तैयार करने के लिए। क्या तैयार करने के लिए? सोप तैयार करते से, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्यूरिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, प्यूरिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, या फिर फैट और ऑयल को तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते, ठीक है ना। थर्ड ये है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, ये मेटलर्जी में पढ़े हमने, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें बताया था मैंने आपको बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, ओके। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये टॉपिक थर्ड मतलब फोर्थ वाला था, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ओके। क्लोरीन का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन, और सोडियम का क्या हुआ? रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में? Hg के प्रेजेंस में। इसलिए इसने बनाया अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? द मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विद द अदर मेटल, अगर मर्क्यूरी किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन हो तो उसे हम अमलगम कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? अमलगम। द मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विद द अदर मेटल कॉल्ड एज अमलगम। तो अमलगम का रिएक्शन देखिए वाटर के साथ में हो रहा है इस कंटेनर के अंदर, तो इसने बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड H2S लिबरेटेड, और सेकंड बाय प्रोडक्ट रहेगा इसमें Hg, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह अपने देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड होते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्कली मेटल में से आपका क्या क्या बाकी है, यूजेस ऑफ अल्कली मेटल बाकी है, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल में है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, यहां साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट है वो बता दूंगा, ठीक है। अब जस्ट स्टार्ट करते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए,